अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आपका ब्रीडिंग सीज़न अच्छा जा रहा होगा। तो आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं, आज जो हमने टॉपिक रखा है अपनी वीडियो का, तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला थोड़ी बहुत प्रोग्रेसिस, और उसके साथ साथ दिखाएंगे कि आगे जो हम पेयरिंग करने वाले हैं अपने पार्ट्स की, तो और कौन से पेयर हम दोबारा से आगे 24 और 25 के लिए हम सेटल करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो आज हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। ठीक है, तो जी अब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले प्रोग्रेसिस कैसी चल रही है। तो ये एक हमारा पेयर है और माशाल्लाह से ये 6 बच्चे पाल रहा है, जिसमें 4 इसके पास पोस्टर हुए हुए हैं और 2 इसके अपने हैं। तो मैं ज़रा लाइट ऑन करूँ, आपको ज़रा नज़र आए, माशाल्लाह से ये देखें, क्वालिटी भी चेक करें। और एक हमारा ये पार्क ब्लू ऑफ लाइन है, सिंपल है, ये सादा है, इसमें कोई ना इनो है ना कुछ है। और ये हमारे 2 कलर लपट के पट्टे हैं, और ये हमारे 2 डेकिनो और 1 अल्बानो स्प्लिट इनो माशाल्लाह से। तो ये हमारी प्रोग्रेसिस चल रही है माशाल्लाह से, और ये इंशाल्लाह ताला बाहर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 बच्चे पाल रहा है। तो कहते हैं ना कि मतलब दिखाने का मकसद ये है कि बर्ड्स अपने 6-6 बच्चों को भी पाल सकता है, लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि आपने उसकी साइजिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे कि एक जैसे साइज़ होते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे जब होते हैं तो उनके एक जैसे साइज़ के हिसाब से आप लोगों को सेटिंग करना पड़ती है, तो वो आराम से अपने 6 बच्चे 5 बच्चे तो आराम से पालता है। तो दिखाने का मकसद भी यही आप लोगों को कि आप लोग परेशान ना हुआ करें, और अगर किसी के नीचे 6 बच्चे हो, बस साइज़ उसके अंदर कोशिश करा करें कि एक जैसे हों। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोग्रेसिस माशाल्लाह से। ये देखें, इस पर तारीख भी लिखी हुई है, और ये हम इसको खोलते हैं और इस पर देखते हैं माशाल्लाह से। ये इनकी मदर इनके साथ बैठी हुई हैं, और ये माशाल्लाह से इसमें हैं 3 हमारे डेकिनो हैं, और एक हमारा है एल्बाइनो रेड आई, वो कोने में बैठा हुआ है माशाल्लाह से। तो ये भी इंशाल्लाह ताला बाहर आने वाले हैं, थोड़े ही दिन हैं इनके पास माशाल्लाह से। ये 4 बच्चे पाल रही है अपने, तो ये हमारी प्रोग्रेसिस है, और आप देखें माशाल्लाह से। तो ये है हमारी प्रोग्रेसिस जो कि मैं आपको दिखा रहा था। अच्छा ये देखें, ये हमारा एक और पेयर है माशाल्लाह से, ये है हमारा ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू यूविंग में इसका, ये जो मेल है, और हमने एल्बाइनो रेड आई की फीमेल के साथ लगाया हुआ है। इसके साथ हमने जैसे कि इसके साथ जो हमने पेयरिंग न्यू करी है कि इसमें से हम इनो जो हमारे ऑफलाइन हैं जितने भी, इसमें एल्बाइनो हो गया और हमारा डेक ऑफलाइन हो गया, और इस तरीके से रेड आई और ब्लैक आई, इसी तरीके से एल्बाइनो, तो ये हम इनमें से माशाल्लाह से प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह ताला 2024 और 25 में। और ये देखें माशाल्लाह से, ये हमारे इसके 2 बच्चे निकल रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये दिखाने का मकसद यही है आप लोगों को, माशाल्लाह से हम 2024 और 25 की इंशाल्लाह ताला तैयारी कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा पेयर है माशाल्लाह से, देखिए ये क्वालिटी भी चेक करें इसकी, मेल की, इसकी कॉलर देखें माशाल्लाह से, इसकी क्वालिटी देखें, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ज़बरदस्त, इसका साइज़ वगैरह कलर सब कुछ ओके है इसका माशाल्लाह से। एक और हमारा पेयर है पर्सनाटा का, ठीक है ये देखें। अच्छा देखिए, लाइट डार्क लगाने का मकसद ये होता है कि ये बैलेंसिंग होती है कलर की ना, कलर की बैलेंसिंग अगर आपने करनी है तो आपने लाइट डार्क इसी तरीके से, मतलब इनके जो कॉलर होते हैं, ये जो हेड है ना इनके, ब्लैक एक का लाइट है और एक का थोड़ा सा डार्क है, तो ये इसीलिए होता है कि आपने जो कलर की मेंटेन करना होता है, कलर को एक्यूरेट करके लाना होता है हर चीज़ को, तो आपने अगर लाइट और डार्क का उसको कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर चाहे आप डार्क दोनों कलर ले लेते हैं ना, तो उसमें रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मतलब ये कि कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो उसमें कॉलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो इसलिए कोशिश करा करें कॉम्बिनेशन में लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन किया करें अलग अलग किस्म का। ठीक है ना, तो ये इसने भी माशाल्लाह से, देखते हैं कि क्या स्टार्टिंग की नहीं की इसने हैचिंग, तो इसने भी माशाल्लाह से, मुझे दिख रहा है शायद कि इसने भी माशाल्लाह हैचिंग स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह से, एक चिक्स आ गया है इसका, और बाकी भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे।
ये हमारा फॉस्टर पेयर भी है, और फॉस्टरिंग में ज़्यादातर ऐसे नहीं कराता कि कहीं आप लोग समझें कि मैं फॉस्टर नहीं के एक उठा के सारे दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब फॉस्टिंग का मतलब ये है कि जैसे एक फीमेल जो है आपकी तकरीबन 8 अंडे दे रही है या 6 दे रही है या 7 दे रही है, मैक्सिमम 10 भी देती हैं तो वो 10 दे रही है, तो सारे के सारे तो वो आप इनक्यूबेट नहीं कर सकती ना। तो इसीलिए हम फॉस्टर पेयर इसलिए रखते हैं कि ताकि हम इसके नीचे उसके जो अंडे बकिया हैं, मतलब 4-5 अंडे उसके नीचे रख दिए, और जो बचे 2-3 अंडे जो थे लास्ट की या फिर इस तरीके से ज़्यादा अंडे थे तो हमने उसको फॉस्टर पेयर के नीचे रख दिए। ठीक है, तो ये है जो है ना, इसीलिए हम मैं तो अपने ख़ास तौर पर आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने फॉस्टर पेयर इसलिए इस्तेमाल करता हूँ और बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। देखें ये इसका अपना बच्चा है जो इसका अभी निकला है ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसे ही हम लोग फॉस्टरिंग करवा, मैं तो ऐसे ही फॉस्टरिंग करवाता हूँ, बाकी सबका अपना अपना तरीक़ेकार होता है। अच्छा, ये एक और हमारा ग्रीन फिशर का पेयर है। अच्छा, इसका जो मेल है ना हमारा, वो है स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू। ठीक है, और जो फीमेल है वो हमारी स्प्लिट ब्लू है या नहीं ये तो कंफर्मेशन नहीं हुआ। अच्छा, माशाल्लाह से इसके भी अंडे रखे हुए हैं, इंशाल्लाह अभी स्टार्टिंग है इसकी, टाइम है अभी इसकी हैचिंग में। तो इसमें से जो ग्रीन फिशर आते हैं वो पॉसिबल इनो होते हैं और पॉसिबल ब्लू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस हवाले से, और हमने इसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम तो नॉर्मल ग्रीन फिशर के हिसाब से भी चलते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो आगे हमारे कुछ और देखें माशाल्लाह से, ये हमने अपने पीस पास कुछ बर्ड्स रोके हुए भी हैं, ये देखें माशाल्लाह से, और ये इंशाल्लाह ताला हमें 2024 और 25 के लिए हमने कुछ बर्ड्स अपने लिए रोके हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये हम अपने पास लगाएंगे। ठीक है, कुछ बर्ड्स यहाँ हैं और कुछ बर्ड्स ये हमारे पास नीचे हैं माशाल्लाह से, तो ये हमने कुछ बर्ड्स अपने पास रोके हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह से, ये कुछ बर्ड्स हमने अपने पास रोके हैं कि इंशाल्लाह ताला 24 और 25 का जो सीज़न इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होता है आगे, तो उसकी ये तैयारियां साथ साथ चलती रहती हैं। ये साथ साथ आपको करनी पड़ती है ब्रीडिंग सीज़न के दौरान, कि आप लोग आगे की तैयारी लाजमी करते हुए चलें, ताकि उससे ये होता है कि आप सिलेक्शन करते हुए जाते हैं उससे आपको आसानी होती है आगे के लिए, और आपको प्लानिंग भी मिल जाती है कि आपको कितने केजेस और चाहिए होते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या एसेसरीज और चाहिए होती हैं बर्ड्स के लिए, क्योंकि दरअसल जब नए पेयर लगते हैं उनके लिए नए पिंजरे भी लेने पड़ते हैं आप लोगों को। तो इस हवाले से साथ साथ अगर आप उसकी तैयारी करते हुए चलते हैं तो आप लोगों को आसानी होती है। तो ये मैं आप लोगों को आज दिखाना चाह रहा था, थोड़ी सी प्रोग्रेसिस में मैंने आपको दिखाई है, और भी माशाल्लाह से एक साय में कि अगर भी मैंने आपको दिखाना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, वीडियो में काफ़ी लंबी हो सकती है, फिर लोगों को शिकायत भी हो जाती है थोड़ी सी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम और भी आपको वीडियोस बना के इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे बर्ड रूम की, जैसे जैसे वक्त चलता रहता है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको क्या चीज़ कोई चीज़ पूछनी है, या फिर किसी चीज़ पर कोई बात करनी है, या फिर किसी हवाले से कोई बात, मतलब ये कि वीडियो उस पर बनवानी है, या मालूमात के हिसाब से बताइएगा इंशाल्लाह ताला कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बता सकूं जो आप कमेंट करेंगे मुझे। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे ब्लॉग को, और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।